हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोना अंडरस्टैंड कि एक रॉक सॉलिड बैकएंड डेवलपर का रोड मैप क्या होगा ईयर 2024 एंड गोइंग अहेड। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है। आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर यूज्ड ऑफ यूजिंग एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। कभी आपने सोचा नेटफ्लिक्स जो आपका फेवरेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसमें इतने सारे मूवीज सीरीज आप देख लेते हो, बट दोज आर नॉट देयर इन योर लैपटॉप, दोज आर नॉट देयर इन योर मोबाइल फोन्स। Still, how you are able to see so much of data on your phone? Data कहाँ से आता है? You have seen the very complex trading application, इतने सारे graphs बन रहे होते हैं, इतने सारे latest data आपके mobile phone में different trading applications में आता है, तो data कहाँ से आता है? So, guys and girls, ladies and gentlemen, for behind all these amazing applications that you do in the day in, day out, be it e-commerce, be it like, you know, the cab aggregators like Ola and Uber, almost every application, the data is being provided by a layer which is called as a backend. So backend is more of like the brain of the system, the crunching and munching of the data which allows the front end to work seamlessly. मैं normally backend को एक real world example से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको भी बताता हूँ। मान लीजिए आप जाते हैं restaurant, जिस area में बैठ के आप खा रहे होते हो, the dining hall, it has to be clean, clear. That area is called, you can consider it more like a front end. अगर आपका front end अच्छा होगा, customer आना चाहेंगे आपके website पे, आपके restaurant में। पर आप restaurant mainly किस लिए जाते हो? ताकि आपको वहाँ पे अच्छा खाना मिले, right? So the food which is being served from the kitchen, जहाँ पे actual खाना बनता है, and that's why you actually tend to go to a restaurant more often, actually, you know, decides कि आपका restaurant कितना famous होगा, कितने लोग आएंगे, right? So the kitchen where the actual cooking happens, where actually the chefs does the magic of creating the amazing food items, I go and call it as a backend. So backend, I believe, you know, how I take it up is the real brain of the system where actual all the manipulation, crunching and munching of the data, the logical layer flows in. So चलिए बात करते हैं कि आज के डेट में almost every company जो applications बना रही है वो क्यों crazy है backend developers के, because these are the people who have to run a lot of complex logic, a lot of logical thinking, a complex data structures and algorithm to build and provide data from the front end layers. ठीक है? तो हमने समझ लिया कि सर backend layer जो है वहाँ पे आपके पास एक तो data होगा और data के साथ दो problems है, problem of storage and computation. तो एक अच्छे backend developer को क्या क्या चीजें आनी चाहिए to become successful in year 2024 and going ahead. ठीक है? तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एक programming language. ठीक है, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज के डेट में आप बैकएंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा में बनाते हो, आप कहते हो जावा डेवलपर हो। जावा में बनाने के लिए आपको एक और फ्रेमवर्क आना चाहिए, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, विच इज वेरी फेमस। सिमिलरली अगर आप पाइथन में बनाने की कोशिश करते हो बैकएंड, यू कैन डू दैट, और उसमें आपको फायदा मिल जाता है डीजैंगो फ्रेमवर्क का। सिमिलरली आज के डेट में जब मैं फुल स्टैक की बात करूँ, मॉन स्टैक डेवलपर की बात करूँ, तो जावास्क्रिप्ट एक हॉट फेवरेट लैंग्वेज है बैकएंड बनाने के लिए भी, बिकॉज अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि सेम लैंग्वेज में आप फ्रंट एंड भी बना लो और सेम लैंग्वेज में आप बैकएंड भी बना लो। तो आज की डेट में यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड Node.js आप प्रोग्रामिंग करके बैकएंड बना सकते हो। तो पहली चीज जो हमने सीखी कि सर वी नीड टू नो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट बिल्डिंग द बैकएंड। एक बार प्रोग्रामिंग सीख लिया तो व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट डेटा, डेटा मैनिपुलेशन। कोई भी एप्लीकेशन आप बनाए, छोटा सा, बड़ा सा, बड़ा सा, एवरी एप्लीकेशन नीड टू स्टोर डेटा। तो आपको डेटा बेसिस के बारे में पता हो कि क्या होता है फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम, क्या होता है रिलेशनल डेटा बेस, क्या होता है NoSQL। इसकी एक अच्छी जानकारी, अ गुड नॉलेज विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन अंडरस्टैंडिंग द बैक एंड ऑफ द सिस्टम। द सेकेंड पार्ट इज मेकिंग यूज ऑफ डेटा बेस। एक बार आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया, यू हैव अंडरस्टूड द डेटा बेस, इट्स एक्चुअली टाइम टू मेक योर हैंड्स डर्टी, द टाइम टू एक्चुअली बिल्ड एप्लीकेशन, एंड दैट्स वेयर द फ्रेमवर्क कम हैंडी। इंडस्ट्री में जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, बिकॉज नॉट ओनली यू बट लाइक यू मेनी पीपल विल बी वर्किंग इन द सेम प्रोजेक्ट, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द मिनिमम क्वालिटी और इजी कोलैबोरेशन, अवॉइडिंग बॉयलर प्लेट कोड, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक फ्रेमवर्क है व्हिच इंडस्ट्री यूजेस फॉर द प्रोडक्शन। क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जावा करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया यू कैन मेक यूज ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सिमिलरली फॉर पाइथन यू हैव डीजैंगो। अगर आप जावास्क्रिप्ट चूज करते हैं Node.js, तो आपके लिए वन ऑफ द फ्रेमवर्क व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस। सो यू नीड टू मास्टर द फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग द एंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट्स। इन तीनों चीजों को मिला के आप आज के डेट में कई सारे बैकएंड एप्लीकेशन बना सकते हो। नाउ फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ने के लिए आज के डेट में जो चीजें काफी फेमस है
उसमें से एक आता है RESTful API. जब आप कहते हो कि मैं बैकएंड बना रहा हूँ, 80 to 90% of the company these days in the form of backends, they are building the RESTful APIs ताकि it could be easily integrated with either a mobile application or a web application. Now ये सारी चीजों के बाद, this is the basic requirement for you to become a backend. But if you want to additionally learn few things to create the difference, आपको इसके अलावा एक अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में. आज के डेट में ऐसा मैंने बोला कि बैकएंड इज ऑल अबाउट लॉजिक, क्रंचिंग एंड मंचिंग ऑफ डेटा. सो सिंस एवरी कंपनी इज डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वी नीड टू नो हाउ टू एफिशिएंटली स्टोर इट एंड रन द कंप्यूटेशन. एंड इसलिए ऑलमोस्ट सारे बैकएंड डेवलपर जॉब्स के लिए समथिंग विच विल बी ग्रिल्ड इन द इनिशियल फ्यू राउंड्स ऑफ इंटरव्यू इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. मेक श्योर दैट while you are trying to become a good solid backend developer, apart from learning all these skills, aap DSA skills mein bhi khud ko better kar rahe ho. And last but not the least, to complete the cycle, we should know basics around the deployments, DevOps and the cloud. Almost every startup these days are making use of cloud to build their application. So ek bar aapne backend ki journey ko samajh liya hai, then you should know that how it will go live in production, how the cloud environment will be used, how the DevOps kicks in. तो अगर ये सारी चीजों को भी अगर आप सीख लोगे, that will help you create difference and will set you on the path of success. So this was a fast-paced roadmap of the backend development course. And last but not the least, everything that you have learned has to be complemented with the projects. तो जो भी छोटी-छोटी चीजें आप सीख रहे हैं, कोशिश करो कि हर एक छोटे कॉन्सेप्ट पे आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको GitHub पे अपलोड करो, LinkedIn पे अपलोड करो. You let the world know that you are mastering these skills. If you do this, follow these steps, I don't see any doubts how you can become a rock solid backend developers. Aaj ki date mein agar main India and globe ki baat karu, one of the highest paying in demand jobs jo ki kafi, kafi numbers mein available mein hai available market, that is backend developer role. So if you are planning to become a rock solid backend developer, I believe these steps will help you get success.